देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, पूरी दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत को पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया, भारत के सम्मान का, भारत के सामर्थ्य का सम्मान बढ़ा है। लेकिन देश के अंदर विरोध एक बात है, लेकिन ये विरोध इस हद तक, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब लोकतंत्र की मंदिर संसद, उसको ताबूत कह देना, ताबूत की तरह दिखा देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं विपक्ष पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आने वाले संसद सत्र में इस ताबूत में आएंगे कि नहीं आएंगे? छी 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 छी, विरोध करना, नीतीश बाबू तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अंधे हो गए हैं स्वार्थ में, और अंधे इस कदर हुए हैं कि भूल जाते हैं उन्होंने पटना में ब्रिटिश काल के म्यूजियम के अगेंस्ट में 1,000 करोड़ लगा के एक नए म्यूजियम बनाया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार की हालात ठीक नहीं है, फिर भी तो नीतीश कुमार क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। और ओम बिरला उद्घाटन करते ज्यादा अच्छा होता। अरे भाई, कौन उद्घाटन करता? ये इसके लिए कोई पंचायती होगा? देश का प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेगा तो कौन उद्घाटन करेगा? ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है मोदी जी का विरोध कैसे करना है, और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी 2024 के चुनाव में, एक एक पाई का हिसाब। जिन लोगों ने ताबूत कहा है, शायद अब उनके ही कील में, ताबूत में कील लगने वाला है।